तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ऑक्टोपैड मेनिया। दोस्तों, बजा लेते एक बहुत सुंदर सा पैच, गजब कर गई हाई ब्रिज की राधा, और इसकी एडिटिंग भी मैं दे देता हूं आपको। इसकी हैंड रनिंग की और इंस्ट्रूमेंट क्या क्या मैंने लगाए हैं वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ हम सीधे एडिटिंग पर आते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से इसकी एडिटिंग रहती है, देखिए। यहाँ उससे पहले एक छोटा सा प्ले कर लेते हैं। दोस्तों, इस तरीके से इसकी जो है प्लेइंग रहती है, और इसका पूरा मैंने प्लेइंग का जो है वीडियो लास्ट वीडियो में मैंने डाल रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए फटाफट से इसकी एडिटिंग शुरू करते हैं। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ, कहीं भी मैंने जो है डिले वगैरह का यूज़ नहीं किया, तो ये बनाने में और आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम में देखते हैं, जो बेस गिटार लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, इसका जो है इंस्ट्रूमेंट नंबर है 1016, यानी 1016। और दोस्तों, इसका जो वॉल्यूम है वो 56 है, और यहाँ पे जो है क्रॉस ट्यून वगैरह 0 है। तो बाकी हमें कुछ नहीं छेड़ना, जैसा एज इट इज़ ये रहता है हमारा पैड में, सेटिंग वही रखनी है। और दोस्तों, थर्ड और सेकंड लेयर फर्स्ट में हम लोग खाली छोड़ देंगे, ऑफ़ कर देंगे। तो आइए यहाँ पे सेकंड लेयर में हम लोग चलते हैं। सेकंड लेयर में दोस्तों, ढोलक बायां 3 के नाम से इंस्ट्रूमेंट है, 1185 इंस्ट्रूमेंट का जो है नंबर है, और यहाँ पे 63 इसका वॉल्यूम है। और क्रश ट्यून दोस्तों मैंने -3 करी हुई है, बाकी मैंने कोई भी सेटिंग नहीं छेड़ी है, तो आप भी मत छेड़िए। यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, मफिंग को आप 35 कर लीजिए, जिससे ये जो है बहुत कम जो है बात तक गूंजेगा। तो यहाँ सेकंड लेयर में देख लेते हैं दोस्तों क्या है। दोस्तों, सेकंड लेयर में इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है 1064, मृदंग 12 के नाम से है, और 46 दोस्तों इसका वॉल्यूम है, और -2 इसका जो है वो क्रश ट्यून है, बाकी मैंने कुछ नहीं छेड़ा है। आप एज इट इज़ रहने दीजिए जो भी है। और थर्ड लेयर दोस्तों मैंने यहाँ सेकंड कॉलम में खाली छोड़ी है। तो आइए यहाँ पे हम चलते हैं थर्ड पैड के ऊपर। थर्ड पैड में दोस्तों मैंने इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है स्टिक ढोल 1 के नाम से, 1893 1893 नंबर है, और ट्रिक वॉल्यूम है दोस्तों 63, और यहाँ पे +1 दोस्तों इसका क्रश ट्यून है, बाकी मैंने कोई सेटिंग नहीं छेड़ी है। इसको आप ऐसे ही रहने दीजिएगा, इसमें आप लोगों को और कुछ भी नहीं छेड़ना है। सेकंड लेयर में दोस्तों चलते हैं हम लोग। सेकंड लेयर में दोस्तों इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है रॉक टॉम 2 के नाम से, 0385 385 नंबर, और 63 यानी 63 इसका वॉल्यूम है, और -7 दोस्तों इसकी क्रश ट्यून है। यहाँ पे दोस्तों सबसे लास्ट में ग्रुप वाले ऑप्शन को, जो एक्सक्लूसिव होता है, उसमें ग्रुप में 1 कर लीजिए आप, तो वहाँ ग्रुप 1 करेंगे तो उसका भी एक फ़ायदा रहता है, वो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे थर्ड लेयर में देखते हैं दोस्तों क्या है। थर्ड लेयर के अंदर दोस्तों मैंने इंस्ट्रूमेंट रखा है कॉमको HHOP के नाम से, 0800 यानी 0800 नंबर पर, और यहाँ 45 इसका वॉल्यूम है दोस्तों, और -2 इसका क्रश ट्यून है, बाकी मफिंग मैंने रखी हुई है 48, बाकी यहाँ मैंने कुछ नहीं छेड़ा है। तो आप यहाँ भी इसी तरीके से रखिए। तो आइए यहाँ फोर्थ कॉलम में दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग। फोर्थ कॉलम में सिंपल सा मैंने दोस्तों रखा है इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट लेयर में क्लैप 3 के नाम से, 1151 63 इसका जो है वो वॉल्यूम है, और यहाँ +1 दोस्तों क्रश ट्यून है, बाकी यहाँ पे मैंने कुछ भी छेड़ा नहीं है दोस्तों। तो इसी तरीके से आप कर लीजिए। सेकंड लेयर में दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। सेकंड लेयर में साउंड इफ़ेक्ट 1 2 3 के नाम से इंस्ट्रूमेंट है, और 1011 यानी 1011 नंबर पे इंस्ट्रूमेंट है ये, और इसका जो है मैंने वॉल्यूम किया हुआ है 53। तो यहाँ पर क्रश ट्यून कर लीजिए आप -4, और यहाँ पर बाकी आपको कुछ नहीं छेड़ना है, बाकी सब चीज़ आप एज इट इज़ रहने दीजिए जो भी सेटिंग हमारी आती है, और यहाँ भी एक्सक्लूसिव में ग्रुप 1 कर लीजिए। आइए थर्ड लेयर में देखते हैं। थर्ड लेयर दोस्तों फोर्थ पैड के अंदर ऑफ है, तो उसको आप ऑफ कर लीजिए। तो वहाँ पे दोस्तों आइए फिफ्थ कॉलम के अंदर चलते हैं।
फिफ्थ कॉलम के फर्स्ट लेयर के अंदर मैंने इंस्ट्रूमेंट लगाया है ढोलक बाया 3 के नाम से। 1185 इंस्ट्रूमेंट नंबर है, 63 इसका वॉल्यूम है और -5 इसकी क्रश ट्यून है। तो यहाँ पे दोस्तों बाकी मैंने कुछ भी नहीं छेड़ना है, सिंपल था। लेयर 2 पे चलते हैं दोस्तों। लेयर 2 पे किक 9 के नाम से इंस्ट्रूमेंट है, 11 और 0095 इंस्ट्रूमेंट नंबर, और इसका 56 जो है वो वॉल्यूम है। और क्रश ट्यून वगैरह मैंने कुछ नहीं छेड़ा, तो इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। और यहाँ थर्ड लेयर में चलते हैं दोस्तों। थर्ड लेयर मैंने ऑफ़ करी हुई है, तो आप भी ऑफ़ कर लीजिए। यहाँ पे चलते हैं हम दोस्तों अपना सिक्स्थ कॉलम में। सिक्स्थ कॉलम के दोस्तों फर्स्ट लेयर के ऊपर मैंने इंस्ट्रूमेंट रखा है ढोलक शार्प चाटी 2 के नाम से, 1207 इंस्ट्रूमेंट है और 63 दोस्तों इसका वॉल्यूम है और क्रॉस ट्यून वगैरह 0 मैंने रखा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड लेयर के ऊपर दोस्तों जो इंस्ट्रूमेंट है वो है ढोलक चाटी 5 के नाम से, 1191, 63 इसका वॉल्यूम है दोस्तों। और इंस्ट्रूमेंट नंबर वगैरह मैंने आपको बता दिया, क्रॉस ट्यून यहाँ पे 0 रहेगी, बाकी आपको कुछ नहीं छेड़ना है। तो आइए थर्ड लेयर में चलते हैं। थर्ड लेयर दोस्तों इस कॉलम की यानी इस पैड की ऑफ है, तो आइए यहाँ पे हम लोग चलते हैं सेवन्थ कॉलम में। सेवन्थ कॉलम में दोस्तों फर्स्ट लेयर के ऊपर मैंने इंस्ट्रूमेंट रखा है बहुत सिंपल सा, ये है स्टिक ढोल 1 के नाम से, 1893 1893 नंबर पे दोस्तों, और 63 दोस्तों इसका वॉल्यूम है, +1 इसका जो है वो क्रश ट्यून है, बाकी यहाँ मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा है, सिंपल सा ये हमारा सब चीज़ जो एज इट इज़ आती है वही है। बस यहाँ पे आप ग्रुप को जो है 1 कर दीजिए, सबसे लास्ट में जो एक्सक्लूसिव होता है उसमें प्लस करके दोस्तों ग्रुप को 1 कर दीजिए अगर वो ऑफ है। तो आइए फटाफट से अब हम सेकंड लेयर में देखते हैं। सेकंड लेयर दोस्तों हमारी ऑफ है इस कॉलम में, और दोस्तों थर्ड लेयर में मैंने इंस्ट्रूमेंट लगाया है वो देख लेते हैं। थर्ड लेयर में दोस्तों कॉमको HHOP के नाम से इंस्ट्रूमेंट है, 0800 नंबर पे यानी 0800 और 45 इसका वॉल्यूम है, और यहाँ पे दोस्तों -2 इसका क्रश ट्यून है और मफिंग वगैरह मैंने कुछ नहीं छेड़ी है और बाकी आप एज इट इज़ सेटिंग रहने दीजिए। तो आइए यहाँ पे दोस्तों चलते हैं हम लास्ट कॉलम में। लास्ट पैड के अंदर दोस्तों इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं हमारे रॉक टॉम 2 के नाम से, 0385 इंस्ट्रूमेंट नंबर है और ट्रिक वॉल्यूम है 63, और दोस्तों यहाँ पे -5 यहाँ इंस्ट्रूमेंट नंबर है और बाकी दोस्तों हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं छेड़ा है, तो आप भी मत छेड़िए, सिंपल सा रहने दीजिए। आइए सेकंड लेयर में चलते हैं। सेकंड लेयर में दोस्तों RTEM के नाम से इंस्ट्रूमेंट है, 1324 इंस्ट्रूमेंट नंबर, और यहाँ पे 44 दोस्तों इसका वॉल्यूम है, -4 दोस्तों यहाँ पे इसकी क्रॉस ट्यून वगैरह है। तो यहाँ पे इसके अलावा हमें जो ग्रुप है उसको कर देना है 1, एक्सक्लूसिव जो लास्ट में आता है उसे प्लस करके आपको ग्रुप 1 कर देना है। तो आइए यहाँ पे हम लोग थर्ड लेयर में देखते हैं। थर्ड लेयर में दोस्तों इंस्ट्रूमेंट मैंने लगाया हुआ है क्लासिक HHCS के नाम से और 0791 इंस्ट्रूमेंट नंबर है दोस्तों, और वॉल्यूम इसका है 40, और यहाँ पे हमारा क्रॉस ट्यून वगैरह मैंने 0 रखा हुआ है। तो बाकी आपको कुछ नहीं छेड़ना, ये पैच दोस्तों बनके तैयार हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना, एक बार श्योर बटन दबाना है और जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट जहाँ भी जिस भी नंबर पे सेव करना है वहाँ पे आप सेव कर लीजिए, और जैसे ही आप सेव बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट हमारे सारे इस पैच के ऊपर सेव हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में।